हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन भाइयों के लिए, डेली आर्टिकल के लिए कीवर्ड्स सर्च करते रहते हैं। सो आज आपके लिए मैं कीवर्ड्स लेके आया हूँ, जिस पे आप आर्टिकल लिखकर आसानी से अपना आर्टिकल गूगल पे पब्लिश कर सकते हो, टॉप पे रैंक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना दोस्तों। सो दोस्तों, हम वीडियो में बात कर रहे थे कि कैसे हम एक जब न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हम उसके लिए बैक लिंक्स भी बनाने पड़ते हैं। ऑन पेज एसईओ तो हमने कर लिया, बट ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं वो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर रहता है कि हम अपनी साइट पर ट्रैफिक कैसे लाएँ। तो ट्रैफिक लाने के लिए एक सबसे बढ़िया मेजर सोर्स है बैक लिंक, दैट इज़ बैक लिंक। बैक लिंक भी दो प्रकार के होते हैं, डू फॉलो बैक लिंक्स, नो फॉलो बैक लिंक्स। सो मैं इस वीडियो में ये सजेस्ट क्लियर कर दूंगा आपको कि स्टार्टिंग न्यू बिगिनर्स कैसे बैक लिंक्स बनाए। स्टार्टिंग में आपको बैक लिंक्स मिलेंगे, एक मैं आपके सामने एक साइट लेके आता हूँ। विकिपीडिया फर्स्ट ये साइट है, विकिपीडिया। आप इससे ढेर सारे बैक लिंक्स बना सकते हो और इसमें काफ़ी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ छिपी हैं बैक लिंक्स की। और आप यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक करेंगे इस पर, इसमें काफ़ी तरह से रहता है। इसमें जस्ट आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के बाद जहाँ आपको अपने कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ सर्च करना है और जहाँ आपको एडिट सोर्स का ऑप्शन दिखेगा और आप यहां एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी वेबसाइट को एडिट करना चाहते हैं तो भी बताइए, क्योंकि उसके लिए एक अलग से सोर्स कोड आता है जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके ज़रिए आप इनको किसी भी साइट को एडिट कर सकते हैं। बट वो उससे प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों आपको, तो इस चीज़ का आप नहीं करके, क्योंकि इस पर भी काफ़ी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैक लिंक्स बनाने की। सो आप बना सकते हैं इसमें बैक लिंक्स कैसे बनाना है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट आज की वीडियो इस पर है कि कौन कौन सी साइट से हमें बैक लिंक बनाने पड़ते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं कौन से ऐसे हैं जिनने, कुछ भाई न्यू ब्लॉगर्स होंगे जिनने न्यू ब्लॉग स्टार्ट किया होगा, तो आप उस पर सर्च कर सकते हो। जैसे कि वो जो फर्स्ट में डोमेन्स लेते हैं तो blogspot.com रहता है, तो ब्लॉग जैसे कि हमने कीवर्ड से डाला ब्लॉगर को कैसे रन करें। सो इस तरह से आपके पास कोई ब्लॉगर या blogspot.coms आ जाएंगे। इन हिंदी में हेल्प, हिंदी में hindihelp.com आप ऐसी साइट चेक कर सकते हो जहाँ बैक लिंक्स बनाने की। ये blogspot.com से अगर आपको किसी इसमें सर्च करना पड़ेगा इसमें गूगल पे, तभी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और आप इनसे अच्छा खासा बैक लिंक्स बना सकते हो। ये थे कुछ पेजेस, और ये जो नीचे आप आइकन्स देख रहे हो, ब्लॉगर से तो नहीं बना सकते, टम्बलर से बना सकते हो, medium.com से बना सकते हो। medium.com पे आपको जस्ट अपना प्रोफाइल बनाना है और यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बैक लिंक्स मिलेगा। मीडियम्स हो गया, कोरा हो गया, टम्बलर्स, ट्विटर्स, सोशल मीडिया से तो फिर आपको मिलेगा, वहाँ शेयर करोगे। और ये जो विकिपीडिया था, ये 5-6 साइट से हैं जिनसे आप अच्छे बैक लिंक्स बना सकते हो, और इन्हीं से ही बैक लिंक्स ज़्यादातर बनाना चाहिए, क्योंकि जो blogspot.com होता है यही DAPA वाली वेबसाइट होती है, तो इनसे आपको काफ़ी ये मिल जाएगा दोस्तों बैक लिंक्स, जैसे कि hub4.com है। तरह से आप
सर्च करके इन पे बैक लिंक्स का ऑप्शन देख सकते हो और बैक लिंक्स अपना वहाँ बना सकते हो। और उसके बाद फिर आपका ब्लॉग टॉप में आना ही आना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से बैक लिंक्स बनाओगे, ऐसी ऐसी साइट से बैक लिंक बनाओगे, जस्ट कोहरा और इन साइडों से आपको जैसे अपनी प्रोफाइल बनानी है medium.com tumblr.com और यहाँ अपना लिंक शेयर करते रहना है और आपका यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश होगा। जैसे वहाँ से कोई भी आकर आपका आर्टिकल पढ़ेगा, उस पर क्लिक करेगा, वहाँ पे ब्लॉग पे आ जाएगा, वहाँ अपना लिंक जस्ट शेयर करना है आपको। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। सो थैंक यू सो मच।